इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक के इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं आज जो है अतिक्रमण की कार्रवाई होनी है। लेकिन उससे पहले जो यहां के दुकानदार हैं वो अपनी दुकान को जो है डिसमेंटल कर रहे हैं और अपने जो दुकान है जो खोखे हैं उनको जो है अब यहाँ पर यहाँ से इस गली से हटाने का काम जो है वो किया जाना है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर एमसीडी की जो कार्यवाही है वो हो सकती है अतिक्रमण पर। ज्यादातर दुकानदारों ने कल रात ही यहाँ से अपना सामान जो है वो हटा लिया है। इसके अलावा जो कुछ दुकानें, एक दो दुकानें जो अभी बची हैं उनको जो है अभी यहाँ से हटाने का जो है काम किया जा रहा है। भाई साहब, ये आपकी आपकी दुकान है? जी सर। इसको आप हटा रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी। इसलिए? एमसीडी का ऑर्डर है। तो अतिक्रमण था ये रोड पे, ये दुकान नहीं ले हटा रहे? ये तो सन 76 से लग रही है, सन 76 से लग रही है, तो इसको आज तक तो कभी हुआ नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ। तो आप मानते हैं कि ये सड़क पर, सड़क के बीचों बीच ये दुकान है, अतिक्रमण है ये, इसीलिए एमसीडी इस पर कार्यवाही कर रही है? वो तो ठीक है, गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन सन 76 से लग रही है, जब से कॉलोनी बसी है, जब से लग रही है, तो आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है ऐसा। तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, जब सब्जी तो बेचते, कोई उल्टा सीधा काम तो करते नहीं है, और सन 76 से बैठे हुए यहाँ पे, आज तक तो कभी हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है ऐसा। अब क्या करे, अब गवर्नमेंट की मर्जी है। कैसे चलेगा रोजगार? अभी तो गवर्नमेंट बताएगी, गरीब आदमी क्या करेगा, चोरी चकारी करेगा और क्या करेगा, जब आदमी का रोजगार ही नहीं रहेगा तो। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपको पता था कि ये जो है सरकार की जमीन है, इस पर आप अतिक्रमण करके दुकानदार दुकान लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन जो है वो सरकार की कार्रवाई, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होनी? वो तो ठीक है, होनी है, लेकिन आज से थोड़ी बैठे, जब से कॉलोनी बसी, जब से बैठे हुए यहाँ पे। ज्यादा वक्त अगर आपने गुजार लिया यहाँ पर, इसका मतलब जो गैर कानूनी तरीके से जो दुकान लगी है वो कानूनी तो नहीं हो जाती ना? अगर ज्यादा कानूनी तो नहीं होती, जगह तो गवर्नमेंट की है, लेकिन आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, तोड़ के पेड़ तो पालने, गरीब आदमी क्या करेगा। तो क्यों लग रहा है आपको कि आज कार्रवाई हो रही है? अब ये पता नहीं है कि किसकी, मतलब कौन उंगल कर रहा है और किसने एप्लीकेशन करा। आगे हुई थी, पहले एमसीडी वालों को मारा था उन्होंने, वहाँ झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से ये हो रहा सारा। और क्या नहीं, अब तो पूरी दिल्ली में अतिक्रमण पर जो है कार्रवाई हो रही है, कल हमने शाहीन बाग में देखा, उससे पहले जहांगीरपुरी में देखा, और अब आज जो है यहाँ पर मंगोलपुरी में हो रहा। मंगोलपुरी में भी हो रहा है, अब सर गवर्नमेंट की मर्जी, उसके सामने क्या कर सकता कोई। आगे क्या करेंगे? सब्जी बेचेंगे और क्या करेंगे, रेड़ी वोड़ी कहाँ पर, यही लगाएंगे रेड़ी, और कहाँ लगाएंगे। मतलब एमसीडी के जाने के बाद से वापस से यहाँ पे दुकान लगा, और कहाँ जाएंगे, सन 76 से बैठे, आज से थोड़ी बैठे हुए, तो यही लगाएंगे और कहाँ जाएंगे। एमसीडी की कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ेगा? एमसीडी के मेरे पास चलान है, पुराने सब कुछ है मेरे पास, तहबाजारी की पर्ची है, क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन फिर भी है तो ये अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण वो कह रहे, मतलब एमसीडी वाले वो दिया, मतलब रेड़ी लगाओ, और मतलब पक्की दुकानें मत लगाओ, रेड़ी लगाओ और घर ले जाओ। तो आप आगे जो है आपका, आपके हिसाब से क्या एमसीडी जो है वो कैसा, सही काम कर रही है या गलत? तो गलत है, गरीब आदमियों के पेट पे लात मार रही है, सन 76 से बैठे हुए, आज से थोड़ी बैठे हुए, तो गलत तो गलत है। तो ये हैं वाई ब्लॉक के एक दुकानदार जो है, जो अपनी दुकान जो है वो यहाँ से हटा रहे हैं, अब डिसमेंटल कर रहे हैं। आपसे जाना चाहेंगे दीदी, आपकी दुकान है ये? जी। किस चीज की दुकान लगती थी? सब्जी, धनिया, मिर्ची की। आज जो है एमसीडी पे कार्यवाही कर रहे, सब हटा रहे भाई, हम भी हटा रहे, क्या कर रहे, कैसे देख रहे, कैसा देख रहे, दिल तो दुख रही है, अब पेट के लिए कौन रोटी देगा, पेट के लिए कौन रोटी देगा, जब से ये मंगोलपुरी बसी है, जब से हम ये काम कर रहे सब्जी का, इसके सिवा हम कुछ जानते नहीं है, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाई है, अतिक्रमण किया है, तो उस पर तो कार्रवाई कर रहे, खून कतली कर रहे, चैने तोड़ रहे, वो गैर कानूनी है, सब्जी बेच कर रोटी खाना कोई गैर कानूनी नहीं है। तो क्या आगे आप क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे, भूखा मारेंगे, भूखा मरवा रहे और क्या करवा रहे। पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पर कार्रवाई होनी है, कार्रवाई होनी है, जहाँ ईट पत्थर चली है उनके वजह से हो रहे, बतावे। लेकिन अब अतिक्रमण की कार्रवाई तो पूरी दिल्ली में हो रही है, शाहीन बाग में हुई, जहांगीरपुरी में हुई, और अब यहाँ पर हो रही है। अब भाई हटाने के लिए कह रहे हटा रहे, इतनी बात हमें करने आती नहीं है, क्या करा जाए, भूखा मरेंगे। लेकिन आपको आपको लगता है कि आपने जो है सड़क पर यह अतिक्रमण किया है, तो ये एक न एक दिन इसको हटाया, एक दिन हटाने के लिए कह रहे, तो अब हटा रहे, जब ये मंगोलपुरी बसी थी, जब से सब्जी बेच रहे, तो सरकार को दिख नहीं रही थी, सरकार को पता नहीं है। अगर आज हट जाते, आगे क्या करेंगे, क्या फिर से यहाँ पर दुकान लगाएंगे?
तो भैया बोरी बिछा के जमीन में अपने सब्जी बेचेंगे, अपने रोटी लाए खमा के अपना घर चले जाएंगे। लेकिन रोड पे ही दुकान लगाएंगे, करेंगे क्या बताओ? कई दुकान दे दो, कई जगह जमीन दे दो, अपने बेचे अपना घर चले जाए। रोटी तो खमाने, हमें चोरी तो करने नहीं आती है, डाका तो डालने नहीं आती है, पेट के लिए रोटी तो खाना ही है, क्या करे। तो ये हैं कुछ दुकानदार मंगोलपुरी के जिनके जिस इलाके में आज ये अतिक्रमण की कार्रवाई होनी है वहीं पर ये दुकान बसी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से जो इस दुकान है, इस दुकान को जो है डिसमेंटल करने का काम किया जा रहा है, उस दुकान को जो है तोड़ा जा रहा है क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही ये कहा जा रहा है कि MCD की तरफ से कार्रवाई जो है आज यहाँ पर हो सकती है। और इससे पहले इस गली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस के जवान, CRPF के जवान जो है इस पूरी गली में है, जो लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी जो है वो यहाँ ना होने पाए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP News, दिल्ली।